अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन गर्ल्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 1.3। इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस व्हिच कैन बी रिड्यूसेबल टू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। गर्ल्स, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस, ax4 + bx2 + c = 0। क्या इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गर्ल्स हमारे पास है 2x4 माइनस 11x2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। गर्ल्स, जिस तरह से हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसमें हाईएस्ट पावर 2 लेके आएंगे। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि x2 इक्वल्स टू y। अगर हम x2 को y की इक्वल सपोज करते हैं तो इट मीन्स x4 इक्वल्स टू y2। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? x4। तो आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 2y2 माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस मेथड से सॉल्व होगी। देखें, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगी कि आपके पास मिड टर्म ब्रेक के मेथड से 5 × 2 = 10। आपको मल्टीप्लीकेशन से 10y2 चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से -11y चाहिए। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, 2y2 माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें, आपके पास 2y कॉमन आ गया, आपके पास अंदर क्या रह गया, y माइनस 5। इन दोनों फैक्टर्स में से आपके पास माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 5 दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या आ गया, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम ले लेते हैं कि आइदर y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5, और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 में y आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1/2। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू x2। y की जगह पे हमने y को किसके इक्वल लिया था, x2 के इक्वल लिया था, तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं x2। x2 इक्वल्स टू 5। अब गर्ल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना होता है तो इट मींस आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब हम सेकेंड साइड को देखते हैं। हमारे पास था वाई इक्वल टू 1/2, यहाँ पर भी हम वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। दिस इज सोल्यूशन सेट। ये आपके पास टाइप 1 इक्वेशन थी। अब हम देखते हैं टाइप 2 इक्वेशंस। सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन आपके पास ये है, ए पी एक्स प्लस बी बाय पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इस टाइप ऑफ इक्वेशन का हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है। 1 to 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम जो है वो सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो है वो आपके सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन से होंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है एक्स बाय एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने देखना है, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स बाय एक्स माइनस 3 है और ये एक्स माइनस 3 बाय एक्स है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म को जो एक्स बाय एक्स माइनस 3 को वाई ले लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल एक्स बाय एक्स माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/y। इट मीन्स कि दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ 1/y। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4/y इक्वल्स टू 4। तो आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर ली, इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू फैक्टर्स में से y कॉमन आ गया, आपके पास आ गया वाई माइनस 2। सेकेंड टू फैक्टर्स में से आपके पास माइनस 2 कॉमन आ गया, वहाँ भी आपके पास y माइनस 2 रह गया, y माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया और अंदर भी आपके पास y माइनस 2 बच गया।
अब आइदर y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो इन दोनों केसेस में आपके पास क्या आ गया, y इक्वल टू टू। अब गर्ल्स आपने y की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो y को हमने किसके इक्वल सपोज किया था, y इक्वल टू x बाय x माइनस थ्री, तो हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की जगह पे हम x, y को रिप्लेस कर देते हैं x बाय x माइनस थ्री से, तो x बाय x माइनस थ्री इक्वल टू टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, आपके पास आ गया x इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इक्वल टू सिक्स, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया x इक्वल टू। जी गर्ल्स, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन, वो आपके पास क्या है, a इंटू एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। या तो ये फॉर्म हो सकते हैं या आपके पास ये हो सकता है, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, या ये फॉर्म हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इससे फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पास है एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, मैंने आपको बताया था अब ये वाली फॉर्म है, तो हमें इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके आना है। रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन वन को हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्र से, ठीक है, दोनों साइड को एक्स स्क्र से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्र से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस टू बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्र इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, एक्स स्क्र का एक्स स्क्र के साथ पेयर बना लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र आ गया, माइनस टू एक्स प्लस टू बाई एक्स का पेयर आ गया और माइनस टू आपके पास ही आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र माइनस टू कॉमन ले लिया इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को आप टू कहते हैं। अब देखें ये वाली फॉर्म वही आ गई जो मैंने आपको बताई थी, रेसिप्रोकल फॉर्म, ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हम इसमें ये कर लेते हैं कि जो सिंगल पावर वाली टर्म है उसको वाई की इक्वल ले लेते हैं। आपके पास एक्स माइनस वन बाई एक्स है, इसको आप वाई की इक्वल ले लेते हैं। जब आपने x माइनस वन बाई एक्स को y के इक्वल लिया तो हमें एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू भी चाहिए। उसके लिए हम करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर लेने से आपके पास क्या गया, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र माइनस टू इक्वल्स टू वाई स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वाई स्क्र प्लस टू। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू में। इक्वेशन टू में हमने एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू पुट की वाई स्क्र प्लस टू, और माइनस आपके पास एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई, वहाँ वाई पुट कर दिया, तो माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया वाई स्क्र माइनस टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, वाई कॉमन ले लिया इंटू वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आइदर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और वाई माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक दफ़ा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया और एक दफ़ा आपके पास वाई इक्वल्स टू टू आ गया। तो अब हम यहाँ भी वाई को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, y को रिप्लेस कर देते हैं आप x माइनस वन बाई एक्स से। तो पहले ज़ीरो वाले में रिप्लेस कर देते हैं, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ज़ीरो आपने उसी तरह से एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर वाला एक दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो हो गया, तो एक्स स्क्र इक्वल्स टू वन आ गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन आ गया। अब y इक्वल्स टू टू में हम रिप्लेस करते हैं, y इक्वल्स टू टू में रिप्लेस करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है, इसको भी एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखें कि ये इक्वेशन जो है आपके पास ना तो कंप्लीट स्क्वायर है और ना ही ये मिड टर्म से ब्रेक हो सकती है, तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स का कोफिशियंट वन तो ए इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्र का कोफिशियंट ए तो ए इक्वल्स टू वन, एक्स का कोफिशियंट बी बी इक्वल्स टू माइनस टू, कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू सी सी इक्वल्स टू माइनस वन। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने से हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ गया वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, माइनस वन प्लस वन और वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों इस मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी गर्ल्स मैं कुछ लिंक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन उसमें सॉल्व हुए हैं आपके। ओके, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताई थी, अभी हम फोर टाइप ऑफ इक्वेशन।
अच्छा गर्ल्स, फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12-14 जो है आपके इस फॉर्म से हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस टाइप की है देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 4 × 2⁻²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 ⁻·इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी पहले हम देखते हैं कि जो टू आपके पास जो भी कोई कांस्टेंट है उसकी पावर जो है वो इस तरह से आनी चाहिए कि आप उसको वाई और वाई स्क्वायर के इक्वल ले सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टू की पावर एक्स है और यहाँ पे आपके पास टू की पावर 2x+1 है, तो आप 2 की पावर 2x+1 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2x.2, ठीक है। तो अगर हम ये लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम सपोज कर सकते हैं कि 2⁻X=Y, तो 2⁻X=Y² तो यहाँ पे आपके पास ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, Y² 8Y² - 9 और 2⁻X आपके पास क्या आ जाएगा, Y+1=0। अब आपके पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके पास। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो ये आपके पास क्या आ गया, 8Y²-8Y - Y+1=0। दोनों आप देखें, फर्स्ट टू फैक्टर्स में से 8Y कॉमन आ रहा है, वो आपने कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया Y-1, ठीक है। सेकंड उसमें से देखें आपके पास क्या आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास अंदर भी क्या बच गया, Y-1=0। अब ये Y-1 दोनों में कॉमन है, ये आपने कॉमन कर लिया, तो ये आपके पास क्या गया, 8Y-1 × Y-1=0। तो अभी आपके पास आइदर 8Y-1=0 और Y-1=0, तो यहाँ से आपके पास Y=1/8 आ गया, यहाँ से Y=+1 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने क्या ली थी, y हमने लिया था Y=2⁻X, तो y को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। पहले 1/8 के साथ रिप्लेस करते हैं, 2⁻X=1/8, ठीक है। अब जब आपने इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह से लेते हैं कि उनकी अब आपके एक्सपोनेंट की पावर जो है वो आपकी वेरिएबल है, ठीक है। आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये कर लेते हैं कि इनकी जो बेसिस हैं उसको सेम कर लेते हैं। अब यहाँ 2⁻X है, तो 1/8 को भी हम 2 की बेस में चेंज कर देते हैं, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में है 2⁻³, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2⁻⁻³। तो 2⁻X=2⁻³। जब दो बेसिस सेम हो जाती हैं तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो X=-3 आ गया। सेम इसी तरह से आपके पास Y=+1 था, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, y को 2⁻X=1 है। अब यहाँ पे भी देखें, बेस 2 है, तो यहाँ इस नंबर की बेस भी हमें क्या चाहिए, 2। तो किसी भी नंबर की पावर 0, अगर आपके नंबर की पावर 0 हो जाए तो दैट इज़ 1, तो ये हमारे पास हमें बेस 2 चाहिए, तो हम 2 की पावर 0 कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, X=, बेसिस सेम हो गई तो पावर्स इक्वल आ गई, X=0। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, -3 और 0। क्लियर गर्ल्स? नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप आपके पास ऑफ इक्वेशन है ये, X+A × X+B × X+C × X+D=K, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि A+B=C+D, कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं A+B, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, C+D। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये A+B, C+D के इक्वल हो, इसमें आप कुछ भी वो ले सकते हैं, मे बी A+C इक्वल्स हो जाए B+D के, या A+D इक्वल्स हो जाए B+C के, क्लियर। अब इसमें देखते हैं कि इस टाइप ऑफ इक्वेशन के हमारे पास कौन से क्वेश्चन हैं। इसके हमारे पास क्वेश्चन 15 और 16 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हमारे पास है X+1 × X+3 × X-5 × X-7 = 192। अब हमने देखना है कि दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिनकी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि A+B = C+D है, तो वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों के पेयर बनते हैं तो 3+1 = 4 - 5 - 7 = 12 - 12, तो ये पेयर नहीं बन सकता। अच्छा, हम इन दोनों का बना के देखते हैं पेयर, तो -5 और +1, ये आपके पास क्या आएगा, -4। 3 - 7, ये भी क्या आ जाएगा, -4। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो फैक्टर है उसका थर्ड के साथ पेयर बनेगा और सेकंड फैक्टर का आपके पास फोर्थ के साथ पेयर बनेगा। तो आप पेयर बना लेते हैं X+1 × X+5 और X+3 × X+7 = 192। अब आपने फर्स्ट टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और सेकंड वाले टू को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आया,
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव सेकेंड वालों को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू 192 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है। तो अब हम एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू सेम है इसको हम वाई के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू वाई, अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी जगह पे y, तो क्या आ गया y माइनस फाइव इंटू वाई माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू 191। इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ गई वाई स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी सिक्स वाई माइनस एटी सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सिंपल करने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये देखें मिड टर्म ब्रेक करने से सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने से आपको चाहिए माइनस एटी सेवन वाई स्क्वेयर, एड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस ट्वेंटी सिक्स वाई चाहिए। तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए वाई स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी नाइन वाई प्लस थ्री वाई माइनस एटी सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, उसी तरह से आपने फर्स्ट टू फैक्टर्स में से y कॉमन ले लिया, नेक्स्ट में से 3 कॉमन ले लिए, तो आपके पास आ गया y प्लस थ्री इंटू वाई माइनस ट्वेंटी नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक दफ़ा आपके पास y की वैल्यू माइनस थ्री आ गई और दूसरी दफ़ा y की वैल्यू 29 आ गई। अब आपने y को किसके इक्वल सपोज किया था, आपने y को सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स के इक्वल। तो y की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले माइनस थ्री में पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस थ्री। अब ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा आप मिड टर्म ब्रेक करें, उसी तरह से सॉल्व कर लें। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो x आपके पास 1 आया और x आपके पास 3 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड था आपके पास y इक्वल्स टू 29 था। ठीक है, अब यहाँ भी y को रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू 29, सेम उसी तरह से 29 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 29, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास ना तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसमें और ना ही इसमें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, टू ये वाली वैल्यूज़ वन और थ्री और एक ये टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्लियर? और गर्ल्स बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैंने आपके साथ लिंक्स शेयर किए हैं। ठीक है, वो लिंक्स आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो हम क्लास के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।